नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी की खास पेशकश चुनावी कुरुक्षेत्र। चुनावी कुरुक्षेत्र के इस रन में हमारे साथ खास मेहमान हैं, महेंद्रगढ़ से भाजपा के उम्मीदवार प्रोफेसर रामविलास शर्मा। शर्मा जी, बहुत स्वागत है टोटल टीवी का। शर्मा जी, सभी योद्धा अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, इस बार का चुनावी रन क्या कहता है आपके? देखिए ग्रोवर जी, इस बार मैं अपनी जनता जनार्दन के बीच में, 5 बार मुझे यही जनता विधायक बना चुकी है और इस बार मैं 6ठी बार इसी जनता के बीच में हूँ। ये जनता कुल मिला के मेरी ये जन्मभूमि भी है और मेरी ये कर्म भूमि भी है। जितना महेंद्रगढ़ की जनता, भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता मुझे जो जानते हैं, उतना किसी और उम्मीदवार को ये जानते नहीं हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार तो प्रवासी पक्षी हैं, वो केवल चुनाव के मौसम में महेंद्रगढ़ की गरीब जनता के बीच में रहते हैं, बाकी समय तो उनका कहीं कहीं बीतता है। इस बार क्या सिक्सर लगाने का काम करेंगे आप, क्योंकि 5 बार आप जीते हैं, 6 बार हारे भी हैं, तो क्या सिक्सर होगा बराबर का? इस बार महेंद्रगढ़ की जनता, 36 बिरादरी छक्का मारेगी और महेंद्रगढ़ का जो एजेंडा है, खुद ही लोग जो बुजुर्ग आदमी हैं वो कहते हैं कि भाई रामविलास को 77 में हमने एक डंडा दिया, उसमें बीजेपी का एक झंडा दिया और महेंद्रगढ़ जिंदाबाद ये हमने एक एजेंडा दिया। बाकी के पास कोई डंडा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई एजेंडा नहीं। अब देखिए अनिल मनचंदा जी, भगवान की मेरे पर बड़ी खास कृपा है, अब बूंदे आएंगी, आप अपने कैमरे वमरे को संभाल लेना जी, क्योंकि मेरे नामांकन के तुरंत बाद महेंद्रगढ़ में इतनी जोरदार बारिश हुई क्योंकि भोले शंकर की कृपा रहती है। रामविलास जी, बात आपकी पार्टी की करते हैं, आपकी पार्टी ने 75 पार का नारा दिया है, कैसे पार करेंगे इसको? देखिए मनचंदा जी, मुझे जो हरियाणा की राजनीति के बारे में जितनी चेतना है, जितनी जानकारी है, ये जो चुनाव है इस बार का 2019 का, ये मुझे 1987 के चुनाव जैसा लगता है। 1987 में हमने राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के खिलाफ एक संघर्ष किया था और उस संघर्ष में 90 में से 85 सीटें हम लोग जीत के आए थे। इस बार इस चुनाव के जो मुद्दे हैं वो स्पष्ट हैं कि एक तो नरेंद्र भाई मोदी का चमत्कारी नेतृत्व तो हमारे पास है और हरियाणा की सैनिकों में, शहादत में जो हिस्सेदारी है वो 11% है। सैनिकों की, शहीदों की चिताएं उठा उठा के कंधे हमारे लाल हो गए। 8 अक्टूबर 2014 को माननीय नरेंद्र भाई मोदी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, मेरे समर्थन में पाली गांव में आए थे। तब हमने उनसे प्रार्थना की थी कि नरेंद्र भाई, ये धारा 370 हटाओ और मेरी सरदारी को इजाज़त दें, हम लाहौर तक अढ़ाई घाल देंगे। 4 अगस्त की रात को 11 बजे मुझे फ़ोन आता है प्रधानमंत्री कार्यालय से और उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री को आपकी 8 अक्टूबर की बात और हड़ाई वाली बात याद है और कल धारा 370 हटाई जा रही है। नरेंद्र भाई मोदी और ये अमित शाह जी की जो जोड़ी है, ये सलामी जो जोड़ी है, ये एक ऐतिहासिक काम किया। इससे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि हुई, इससे शहीदों को नमन हुआ और हम हरियाणा के लोगों को इससे बहुत बड़ा सकून। रामविलास जी, शहीदों को नमन किया आपने, श्रद्धांजलि दे दी, विपक्ष आप पर गंभीर आरोप लगा रहा है, आप कहीं भी किसी भी मंच पर नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर जो है इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, उनका नाम लेते हैं, हरियाणा के विकास की बात वो कहते हैं, आप कहीं भी नहीं करते, ऐसे 5 ऐसे आपने कार्य गिनाइए जो जनता अभी आपको अगले चुनाव में, जो अभी होनी है शुरुआत, तो उसमें आपको जिताकर विधानसभा भेजे। हरियाणा में पिछले 5 साल में कोई विपक्ष नहीं रहा और जो विपक्ष था वो बिखर गया।
दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। हमने 5 साल में श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ऐसी गजब की सरकार हमने चलाई है। आप 5 काम, मैं 25 काम आपको गिनाता हूँ। ये जो महेंद्रगढ़ का इलाका है, ये राजस्थान के साथ सटा हुआ इलाका है, पानी का यहाँ अकाल रहता है। सबसे पहले दोहान नदी मेरे क्षेत्र से बहती थी, आज 35 साल के बाद दोहान नदी में एक बूंद पानी नहीं आया। हमने 4 करोड़ रुपए की लागत से डेरोली अहिर से, डेरोली जाट से, कोथल खुर्द से, कोथल कलां से, नानंगवास से, देवनगर से, भगड़ाना से और बसई तक जो दोहान नदी का रास्ता था वहाँ तक परमानेंट चैनल बना के पानी चला दिया है। 104 गांव महेंद्रगढ़ विधानसभा में 10 फरवरी 2015 को ओलावृष्टि हुई थी। आज आप गुलशन कल मेरे साथ में था जब मैंने कहा कि 104 गांव में 197 करोड़ रुपया मुआवजा मिला कि नहीं मिला जी। लोग कितनी भयंकर ताली बजा रहे थे। ये महेंद्रगढ़ पिछड़ा हुआ इलाका था, कांग्रेस ने 15 साल यहाँ पर, हम तो वनवास में थे, कांग्रेस ने 15 साल यहाँ पर एक रोजगार नहीं दिया। आज महेंद्रगढ़ विधानसभा के 8,000 बच्चों को बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पर्चे के रोजगार मिला है। ये जो जवानों की टोलियाँ साइकिलों पर घूम रही हैं, झंडे लगा के घूम रही हैं, डीजे बजा रही हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची की जो बात करते हैं, क्या यही वजह है कि 75 पार का नारा लेके चल रही है बीजेपी? नहीं, केवल एक बात ये नहीं है जी, केवल मनचंदा जी एक बात ये नहीं है, ये हरियाणा की जनता सबको देख रही है। पहले मेरा वो 5 की वो पूरी कर लेने थी। ये रोजगार का मामला, ये मुआवजे का मामला, ये दोहान नदी का मामला, ये जो पहाड़ जिसमें मेरा गांव भी आता है जी, दूलो टहीर है, निम्बेड़ा है, बुडीन है, बड़ाचा है, ढाढोत है, सोड़ा है, बलाना है, राजावास है, उस्मापुर है, जेरपुर है, मांडोला है, नांगड़माला तक, ये 60 साल की कांग्रेस हुकूमत में इनके लिए नहर का कोई प्रावधान नहीं था। हमने निम्बेड़ा माइनर 27 करोड़ रुपए की लागत से वो चालू कर दिए जी। आज 38 सड़कें, कई गांव जैसे खातोदड़ा है, खातोदड़ा से कुरावटा को भी सड़क है, खातोदड़ा से निम्बेड़ा को भी सड़क है और निम्बेड़ा से निम्बी को भी सड़क है। हमने हर गांव को दूसरे गांव से जोड़ दिया है। माधोगढ़ का किला, ये 700 साल पुराना एक पर्यटन स्थल बनना चाहिए था, हमने आज माधोगढ़ के किले पर काम चल रहा है, महेंद्रगढ़ का मराठों का बनाया हुआ किले के ऊपर काम चल रहा है, आज पर्यटक यहाँ पर आने लगे हैं। माधोगढ़ में आपसे दरखास्त करूँगा कि आप एक बार पहाड़ की चोटी पर जाके वहाँ का फोटोग्राफ लेके आए और भारत के मानचित्र पर महेंद्रगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला एक पर्यटन केंद्र के नाते उभर के आया। शर्मा जी, हम वहाँ गए थे और हमने वो देखा भी था, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि केवल उसे रेनोवेट किया जा रहा है, अन्यथा उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। विपक्ष के बाद मैंने कहा ना, वो तो वहाँ सड़क बनी, प्राचीन विरासत को सजा के रखना, आप वो कह रहे हैं रेनोवेट किया जाए, वो तो दीवारें गिर गई थी, पर जिस मटेरियल से 700 साल पहले ये बना था अनिल जी, वही मटेरियल चाहे जयपुर से लाना पड़ रहा है, वही मटेरियल, कितनी बड़ी बात है। प्राचीन विरासत को हम संजो रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं। आप गुड़गांव रहते हो जी, आज मानेसर की IMT 15 साल पहले बन गई। हाँ जी। आज वहाँ उद्योग है, आज वहाँ मारुति का उद्योग है, आज हीरो होंडा का उद्योग है, आज और छोटी बड़ी एंसिलरी इंडस्ट्री लगी हुई है, बेरोजगारी वहाँ दिखाई नहीं देती, लाखों बच्चे वहाँ काम करते हैं। हमने खुड़ाना गांव में 24 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के और IMT खुड़ाना का आधारशिला रख दी, उस पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, आने वाले साल भर में अनेक उद्योग वहाँ पर आएंगे, इस इलाके के बच्चों को वहाँ रोजगार मिलेगा। हमने नहरों के मामले में
उधर निम्बेड़ा माइनर, इधर दोहान चला दिया। अस्पताल हमारा छोटा था, उसको 100 बेड का 178 करोड़ की लागत से उस पर काम चल रहा है। ये जो सारी हमारी महेंद्रगढ़ से जुड़ी हुई योजना है, मनचंदा जी ने पूछा कि आप किस आधार पर 75 पार कह रहे हैं जी। हरियाणा की एक पृष्ठभूमि में कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 10 साल देखा है। गेस्ट टीचर्स की बात करें, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, ये गुलशन ग्रोवर के कैमरे ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पंत मार्ग पर उनकी कोठी पर गेस्ट टीचर्स आमरण अनशन के लिए बैठे थे। 15वां दिन हो गया था और मैं वहाँ पर गया और मैंने कहा कि ये मैं पुराना अध्यापक हूँ, यदि ये इनको नहीं उठाया तो मैं अध्यापक के नाते इनके साथ आके बैठ जाऊँ। लेकिन आपने कहा पहली कलम से। और फिर हमारे पास ये जिम्मेदारी आई। मैं कुछ प्रमाण सहित 22,000 गेस्ट टीचर्स मनचंदा जी हुड्डा जी की सरकार में 10 साल से लगे हुए, कंप्यूटर टीचर्स, असिस्टेंट कंप्यूटर टीचर्स, उनकी 1 साल की तनख्वाह नहीं मिली। उनकी कोई कंपनी थी खास, 25,000 रुपया प्रति व्यक्ति से लेके सिक्योरिटी के नाम पर भग गई। हमने 72 करोड़ रुपए की पेमेंट उन कंप्यूटर टीचर्स की। लेकिन शर्मा जी, आप प्राइवेट स्कूलों पर लगाम नहीं लगा पाए, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें आप, टीचर्स वाला। और हमने असेंबली में उन 22,000 लोगों को और वो नियमित किया। हमको संतोष है, शिक्षा विभाग में पिछले 15 साल में हमारी सरकार, मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 40,000 के आसपास अध्यापकों की। मंत्री जी, बहुत बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि पिछली सरकार के अंदर जो आपने उनको आश्वासन दिया था, इस सरकार में पूरा कर दिया। लेकिन विपक्ष आज भी आपके ऊपर हमले कर रहा है। आपके सामने जो पार्टी, विपक्ष जो खड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? कांग्रेस पार्टी को कौन सी कांग्रेस, अशोक तंवर वाली पार्टी को या बहन शैलजा वाली पार्टी को या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी को? देखो मनचंदा जी, आप बहुत सियाणे पत्रकार हो, कांग्रेस अब जुगाड़ रह गया है, कांग्रेस नेता विहीन पार्टी रह गई है। जो आदमी 2019 लोकसभा चुनाव में उछड़ उछड़ के बोलता था चौकीदार चोर है, तो आज कहाँ है वो आदमी? आपने कहा कांग्रेस पार्टी जुगाड़ है, जुगाड़ तो हमेशा काम करता है। नहीं, जुगाड़ ये नेता विहीन पार्टी है, नीति विहीन पार्टी है। 5 अगस्त को नरेंद्र भाई मोदी ने धारा 370 हटाई, हम एक प्रस्ताव लेके असेंबली में आए, हुड्डा जी ने उसका समर्थन किया, उन्होंने सर्वसम्मति सब पार्टियों ने, बिल्कुल, अभय सिंह जी चौटाला ने उसका समर्थन किया, सब पार्टियों ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और फिर मुकर गए। भूपेंद्र सिंह कालिता कांग्रेस का राज्यसभा में मुख्य सचेतक, और उसको कहा गया कि कांग्रेस के एमपीज को कहो किसके विरोध में जाए, उसने इस्तीफा दे दिया। जनार्दन द्विवेदी, जिन्होंने बहन सोनिया गांधी को हिंदी बोलना और पढ़ना सिखाया, उसने कहा कि नहीं, ये ऐतिहासिक काम हुआ है। आज कांग्रेस विचारधारा, ज्योतिरादित्य ने कहा कि ये 370 धारा ऐतिहासिक काम हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, जब मनचंदा जी विरासत बढ़ती है, एमरजेंसी में चौधरी देवीलाल के साथ मुझे जेल में रहने का सौभाग्य मिला जी, और उनकी सरकार में मुझे मंत्री रहने का सौभाग्य मिला। ये जो लोग हैं, ये उनकी विरासत को संभाल नहीं पाए, आज वो विरासत बिखर गई। और जब विरासत बिखरती है, जब, तो उसके अंजाम क्या होते हैं आपको मालूम। इस चुनाव में क्या कैसा देखते हैं आप उनको? कोई बहुत खास नहीं हो। और जेजेपी? वे दोनों ही एक ही समझते हैं ना, इतना जल्दी पार्टी एस्टेब्लिश नहीं होती है। शर्मा जी, अशोक तंवर के जाने से, अशोक तंवर ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस से। आपने जींद के उपचुनाव में कहा था हुड्डा साहब से कि एक कांटा निकल गया है आपका। नहीं, आपका कांटा निकल गया। सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे थे, आपका कांटा निकल गया है।
अब लग रहा है दूसरा कांटा भी निकल गया। कांटा निकल गया, अब तो बीजेपी के सामने जो कांटे थे वो सब निकल गए। नहीं, उस समय बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो रही थी जी। उस समय वो एक्सटेम्पोर एक बात मनचंदा जी कही गई, हम अपने कृष्ण मिड्डा का नामांकन करके और आ रहे थे, तो आमने सामने हमारी रामरमी हुई, मेरे मुंह से निकल गया हुड्डा साहब आपका कांटा निकल गया, वो किसी टेलीफोन पर लगे हुए थे, तो वो उस समय की बात थी। अशोक तंवर के जाने से कितना नुकसान आप देखते हैं? ये देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, पर अशोक तंवर वर्षों तक उन्होंने पार्टी की अध्यक्षता के नाते काम किया है, सक्रिय रहे हैं, ये तो उनका अपना आकलन है। क्या बात, मैंने एक बात कही ना कि नेता विहीन पार्टी हो गई। क्या भाजपा में अगर आते हैं तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? अभी देखिए, उनकी तरफ से कोई इस तरह की बात आएगी तो देखेंगे। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में अभी जो हुड्डा साहब ने कहा है कि किसानों का वो कर्ज माफ़ करेंगे, साथ में उन्होंने 5100 रुपये बुजुर्गों की पेंशन देने की बात की है, लेकिन आपकी तरफ से 3000 रुपये देने की बात की है, किस तरह देखते हैं आप उनके मैनिफेस्टो? देखिए, हमारा गुलशन जी, हमने ये बात आज नहीं कही, हमने 14 में कही थी कि हर 200 रुपया हर महीने बढ़ाएंगे, अब वो 2000 से ऊपर हो गया है, हमने ये बात 2014 के मैनिफेस्टो में कही थी। हुड्डा जी ने बहुत सी बातें 10 साल तक कहते रहे परंतु वो कर नहीं पाए। मंत्री जी, विपक्ष जो है वो ये कहना चाह रहा है कि हर मंच पर ये बोल रहा है कि आने वाले दिनों में वो 5100 रुपये एक बुजुर्ग को देंगे और एक दंपत्ति को 10200 रुपये, एक घर का गुजारा अच्छी तरीके से चलता है। क्या लगता है कि मनचंदा जी वो आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं ना? उन्होंने ये भी तो कहा, जब 21 और 22 फरवरी को हरियाणा जल गया तो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने सिरसा में किसी को फ़ोन करके ये भी तो कहा, हमने तो रोहतक जला दिया, तुमने एक कीड़ी को भी नहीं रोका, ये भी तो कहा। क्या उसका फ़ायदा भी मिलेगा? क्योंकि असेंबली में आप तो असेंबली भी कवर करते हैं, हुड्डा साहब को मैंने कहा था कि हुड्डा साहब, ये सीने के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से जी, वो बहुत दुखदाई एक मामला। क्या लगता है वो वक्त आ गया है बदला लेने का? नहीं नहीं, ये तो हरियाणा की जनता ले ही रही है जी। हरियाणा की जनता, ये बात हरियाणा का आदमी, हरियाणा का बुजुर्ग, हरियाणा का नौजवान इतना जागरूक है मनचंदा जी, उसके जहन में एक बात बैठी हुई है, जो जो गाली हमारे माननीय मनोहर लाल जी को दी, दीपेंद्र जी हुड्डा अजीज है पर वो क्या बोले भिवाणी में कि मनोहर लाल जी पाकिस्तानी, मनोहर लाल जी महम में निदाणा गांव में जन्म हुआ, बनियाणी गांव में उनका पालन पोषण हुआ, उनके पिताजी को कंधा हमने दिया, क्या वो ये कहना चाहते हैं? ये कोई सांसद की भाषा होती है? क्या हरियाणा में और किसी का कोई अधिकार नहीं है? क्या यही वजह है कि 10 की 10 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की महान जनता जनार्दन ने, 36 बिरादरी ने हमको जिताई, और लोकसभा के चुनाव में 79 सीटों पर हरियाणा के बहादुरों ने हमको असेंबली में जिताया। ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी अभी मनोहर लाल खट्टर पे कटाक्ष किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश जी अब उन्होंने क्यों कहा कैसे कहा, अब मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे। जनता उसका भी जवाब देगी? हाँ, निश्चित रूप से जनता सुनती रहती है। ये हरियाणा का जो आदमी है ये बहुत जागरूक आदमी है, जो हमारा मोजी भाई अटाणी के नीचे जूती गांठ रहा है और उसके पास पास 20-30 लोग बैठे हैं, वो मंत्रणा करते हैं, वो हरियाणा के भाग्य का फैसला करते हैं, जो खाचोड़ में बसोला चला करके लकड़ी छोलता रहता है वो हरियाणा का फैसला करते हैं, जो भाई असार पर चढ़ा हुआ है, एक आदमी
पगार पकड़ाता है, एक आदमी पत्थर को पत्थर से जोड़ता है, वो आदमी हरियाणा का, 36 बिरादरी का जो आदमी है वो हरियाणा का फैसला करता है। शर्मा जी, इस बार टिकटॉक की जो मंथन में और टिकटॉक के अगर कहें तो हम जो बटी हैं आपकी भाजपा में, इस बार दो बड़े मंत्रियों की टिकटें काट दी गई हैं, क्या लगता है कि आखिरकार इस तरह का जो एक्शन लिया गया क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए गुलशन जी, हमारे यहाँ टिकटों का निर्णय केंद्रीय हाईकमांड करती है और प्रदेश इकाई ने, प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अपनी जो सूची थी वो केंद्र को सौंप दी। अब ये बात तो केंद्र ही जानता है और जो पार्टी में इस चुनाव में कहीं अकोमोडेट नहीं हुए, तो पार्टी की जब सरकार बनती है उसमें MLA से महत्वपूर्ण भी स्थान होते हैं, पार्टी उन कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। क्या 5 साल का कार्यकाल उनका ठीक नहीं रहा, क्या उन पर किसी तरह के आरोप थे, किस तरह का कोई? नहीं नहीं, देखो विपुल गोयल जी इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते उन्होंने हरियाणा में एक शाख बनाई, राव नरवीर सड़क के महकमे में उन्होंने काम किया, ये बात नहीं हो सकती। परंतु पार्टी को, जैसे बादशाहपुर से मनीष यादव पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मनीष यादव भी संगठन के काम में वर्षों से लगे हुए थे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी। विपुल जी की जगह नरेंद्र गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र गुप्ता पार्टी में, मैं जब अध्यक्ष था तब से लेकर अब तक कोषाध्यक्ष है प्रदेश। शर्मा जी, महेंद्रगढ़ में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राव दान सिंह, उनका आरोप है कि महेंद्रगढ़ में विकास इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि चेयरमैन और मंत्री जी की लड़ाई में महेंद्रगढ़ का विकास अछूता रहा है। नहीं, लड़ाई तो कोई नहीं थी और कांग्रेस उम्मीदवार आरोप लगाए, ये भी एक अजीब बात है। उनके ऊपर जो है वो सारे मामले आपको ध्यान में ही हैं। ये बात सही है कि नगर पालिका में चेयरमैन हमने ही सर्वसम्मति से चेयरमैन बनाया था, परंतु वो जो पार्षद हैं उनको वो साथ नहीं रख सके और वो अपना झगड़े झंझट में ही लगे रहे। मंत्री जी, विपक्ष एक और आरोप लगाता है कि जो पिछला चुनाव 2014 का आपने लड़ा उसमें जनता को आपने गुमराह किया, ये कह के कि मुख्यमंत्री आप बनने जा रहे हैं, इस वजह से जनता ने आपको यहाँ का विधायक चुना। हमने कहीं ये बात नहीं कही कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था, पर ये बात सबके सामने है कि हम मिशनरी लोग हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, किसकी क्या जिम्मेवारी होगी, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। इस बार विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार आपने लास्ट चुनाव कह करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। नहीं, कोई लास्ट चुनाव मैंने किसी वाक्य में नहीं बोला, मैंने कहीं पर ये बात नहीं। ये विपक्ष जो कह रहा है, क्या विपक्ष, कौन सा विपक्ष, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे नहीं पूर्व विधायक हो और हो, ये सब तो इनकी एक ही जगह से। यहाँ महेंद्रगढ़ की जनता को ज्यों ज्यों ये लोग मुझे गालियाँ देते हैं वैसे वैसे मेरे माई बाप को गुस्सा आता है, भाई बहनों को गुस्सा आता है और वो लोग जो है मेरा प्रचार कर। शर्मा जी, जनता से आपने राय तो ले ली मैनिफेस्टो के लिए, अब कब आप जनता के सामने रख रहे हैं? विजन डॉक्यूमेंट जो हमारा है वो एक दो दिन में प्रकाशित हो। अगर स्टार प्रचारकों की बात करें तो काफी स्टार प्रचारक आपके इस हरियाणा में आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, किस तरह से देखेंगे उस समय हरियाणा का माहौल कैसे चेंज होने वाला? हरियाणा का माहौल नरेंद्र भाई के आने से, हमारी जो जनाधार है वो पहले ही, हमको एक सुविधा है बंसंदा जी कि नरेंद्र भाई मोदी सौभाग्य से हमारे प्रभारी रहे, हमने उनके नेतृत्व में यहाँ काम किया और प्रधानमंत्री के नाते भी हमने देखा, जब हमने उनको बुलाया तभी वो आ गए और अब 15-16 तारीख को आ रहे हैं। जाते जाते एक महेंद्रगढ़ के लिए कुछ प्राथमिकताएं हों आपकी जो हमारी इस सरकार से, भाई बहनों से कहना चाहता हूं, अपने बुजुर्ग माँ बाप से कहना चाहता हूं कि इस बार जो सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी वो पहले से मजबूत सरकार बनेगी और इस बार हमारी प्राथमिकताएं हैं बेरोजगार नौजवान जो है वो हमारी पहली प्राथमिकता है, उसके IMT का आधारशिला हम रख चुके हैं खुडाना में
और जो जमीन हमारी उपजाऊ है, मेहनती किसान है, सिंचाई का पानी चारों तरफ से, कुछ तो निम्बेड़ा माइनर से प्राप्त होगा, कुछ दोहान नदी से प्राप्त होगा, और सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उनको और बढ़ावा देंगे। महेंद्रगढ़ पर्यटन केंद्र के नाते भारत के मानचित्र पर आ चुका है, इसको और विकसित करेंगे। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपने चुनावी प्रचार में ये समय दिया। जी, तो आपने रामविलास शर्मा को सुना, जो कि जिनका साफ तौर से दावा है कि इस बार भाजपा जो है जो 75 प्लस का मिशन लेकर चल रही है, 75 प्लस से ज़्यादा इस बार सीटें जो है भाजपा की हरियाणा में आने वाली है, और हरियाणा में इस बार भाजपा की सरकार बनने के बाद और अच्छे कार्य किए जाएंगे। हमारे इस खास शो में बस इतना ही, अगली बार और अन्य किसी आपको उम्मीदवार से रूबरू कराएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।